रीवा के समान थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि समान तिराहे पर दो संदेहास्पद व्यक्ति खड़े हैं, जिनके पास कई एटीएम हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम दिनेश साहू हरिओम शुक्ला बताया, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों की जेब से कुल 27 नग एटीएम जब्त किए। पुलिस ने बताया कि अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड से वो लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुट गई है। कल एक एटीएम का ग्रुप पकड़ा गया है, ये ओम दिनेश साहू पिता लालमन साहू हैं और हरिओम शुक्ला पिता शेषमणि शुक्ला, ये मझौली सिटी के रहने वाले हैं। इनका काम एटीएमों में जा कर के पीछे खड़े होना और जो कस्टमर जो एटीएम धारक है वो यदि पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको एटीएम निकालने में एटीएम से पैसे निकालने में असुविधा होती है, समझ नहीं पाते प्रॉपर मशीन को ऑपरेट करना, तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो और अपने साथ उसी बैंक के एटीएम अपने पास रखे रहते हैं और उनका एटीएम चेंज कर लेते हैं मदद करने के नाम से, और उनके कोड को या तो उनसे पूछ लेते हैं या कोड डायल करते समय उसको देख लेते हैं और चेंज करने के बाद इसी एटीएम को ले जाके दूसरे एटीएम काउंटर पे उस मशीन से ऑपरेट करके उनके पैसे निकाल लेते थे। ये घटनाएं लगातार हो रही थी, पुलिस जो है इनके तलाश में थी। कल जो है सामान में जहां एटीएम काउंटर है वहां पे ये लोग पुलिस के निशाने में थे और पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये एटीएम के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय पकड़े गए। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 27 एटीएम मिले और वो एटीएम विभिन्न बैंकों के थे। पूछताछ करने में पता चला कि ये काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा है और इसमें दिनेश साहू जो है ये मझौली सीधी कोतवाली में इसके खिलाफ एटीएम की धोखाधड़ी का मुकदमा भी पहले कायम हो चुका है और ये उसमें गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। तो इनसे जब एटीएम बरामद हुआ और पिछले आवेदकों की शिकायतकर्ताओं की जो पड़ताल की गई तो उसमें एक जो है 14 तारीख को दिसंबर में एक एटीएम धारक से इनने क्या बोलते हैं नवंबर में इनने एटीएम ले करके और उनसे साथ फ्रॉड किया था, उसकी घटना का जो है खुलासा हुआ है और उनका एटीएम इनसे बरामद भी हुआ है। इसी तरह एक घटना जो है अमैया में हुई है, वो 24/11 को हुई है, उसमें भी उनका एटीएम जो इनने चेंज कर लिया था धोखा दे करके वो एटीएम भी उनसे बरामद हुआ है और उनने पैसा निकालना स्वीकार किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी हम उनका जो है दो दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। अब इस रिमांड में हम और भी कार्रवाइयाँ करेंगे इनसे। इनके पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये सीधी सतना रीवा इस तरह घूम फिर करके इसी तरह का लोगों को जाल में फंसा करके और फोर्जरी करके उनके एटीएम ले करके उनके बैंक अकाउंटों से पैसा निकालते हैं। दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल, उनकी खुद की मोटरसाइकिल है जिसका उपयोग है, उसको जब्त किया गया है। अभी ये पूछताछ का विषय है, अभी हमने पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है 2 दिन का, अब इनसे हमने पूछताछ करके इनके साथी दारों का पता लगाना है और कहां कहां तक इनने अपराध किया है, कौन कौन से मामले हैं, इसकी पड़ताल अभी की जाना है। अभी जो ये घटना आप बता रहे हैं इस घटना के संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी और वो एटीएम यदि उनके साथ बरामद होगा या वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो उनके पैसा इत्यादि की बरामदगी कार्रवाई की जाएगी।